नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पुराने गांव मलाना पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर। विश्व पटल पर पुरातन गांव से विख्यात मलाना में लोग पहली बार किसी मुख्यमंत्री को अपने यहाँ देख खिल उठे। अब तक प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री मलाना नहीं पहुंचा था, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए करीब एक घंटा पैदल सफर तय करना पड़ता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक घंटा पैदल सफर तय कर मलाना वासियों के बीच पहुंचे और आगजनी से प्रभावित परिवारों को न केवल सांत्वना दी बल्कि गाँव वासियों को कई सौगातें भी दी। पैदल पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रास्ते में पूरी तरह से ठेठ पहाड़ी अंदाज में भी दिखे। अक्सर बड़े बड़े मंचों पर मुख्यमंत्री को बिस्लरी वाटर ही सर्व किया जाता है, लेकिन मलाना जाते समय मुख्यमंत्री को जब रास्ते में प्यास लगी तो उन्होंने प्राकृतिक चश्मे का ही पानी पिया। यही नहीं, रेस्ट करने के लिए रास्तों में रुके तो कोई वीआईपी कुर्सी साथ नहीं थी। मुख्यमंत्री अपनों के साथ डंगों में बैठकर मलाना के बारे में जानते रहे। मुख्यमंत्री के ठेठ पहाड़ी अंदाज को देख मलाना वासियों ने भी अपनापन महसूस किया। बता दें कि गत दिनों मलाना गांव में आगजनी की घटना के कारण से 36 परिवारों के 150 सदस्य प्रभावित हुए थे। उपचुनाव के चलते मुख्यमंत्री मलाना गांव नहीं आ सके थे। वे पहले मुख्यमंत्री हैं जो मलाना गांव तक पहुंच पाए हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल ने भी गांव तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन उनके दौरे के दौरान यहां भारी बारिश व बर्फबारी बाधा बन गई थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां देवता जमदग्नि ऋषि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मलाना गांव तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगजनी से प्रभावित हुए 36 परिवारों के घरों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए देने की बात भी कही। वहीं अपनी ओर से भी ऐच्छिक निधि से 25,000 रुपए देने की घोषणा की। हमीरपुर जिला में 21 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में शुक्रवार को 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 और आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्नोत्री ने बताया कि शुक्रवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 729 सैंपल लिए गए, जिनमें से 17 पॉजिटिव निकले, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर आर के अग्नोत्री ने जिला वासियों से कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन करने की अपील करते हुए बताया कि जिला में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव को देखते हुए भी लोग सावधानी बरते, सर्दी जुकाम तथा बुखार जैसे लक्षण आने पर तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर ले और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना चेकअप करवाए। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।